सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10 के संस्कृत का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, जो कि है शुचि पर्यावरणम। कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राएं जो हैं अपनी पुस्तक संस्कृत की पुस्तक को खोल लें और साथ साथ ये वीडियो भी देखते रहें और साथ साथ मेरे पढ़ते भी जाएंगे। शुचि पर्यावरण जो है प्रथम अध्याय है संस्कृत का। यह पाठ पढ़ने से पहले हम जो हैं इसका परिचय आप पहले पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लस्य लतिका से संकलित है। तो जो हमारे संस्कृत के आधुनिक कवि हैं हरिदत्त शर्मा, उनका जो है लस्य लतिका जो है रचना संग्रह है, उससे यह आपका जो है अध्याय संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोहे का जो चक्र है वो तन मन को हर रहा है, सुखा रहा है। जो कि जैसा कि आपको पता ही है कि प्रदूषण की ये जो भयावह समस्या है, इस पर अनेक कवियों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो संस्कृत के हरिदत्त शर्मा जी ने भी इस पर अपने विचार व्यक्त करके एक पद्य बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि महानगरों में ये जो मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं ये हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाल रही हैं, और यह जो लोहे का चक्र है, लोहे के चक्र से क्या तात्पर्य लगाएंगे आप? लोहे के चक्र से आप तात्पर्य लगाएंगे ये जो मोटर गाड़ियां हैं, जो कारखाने हैं, ये जो फैक्ट्रियां हैं, ये सब, ये जो है जितना हमारे लिए इनका लाभ है उतनी ही हानि भी है, यह आप इस पद्य में पढ़ेंगे। और यह जो है हमारे वायुमंडल को, भूमंडल को कैसे मलिन कर रहे हैं, कैसे प्रदूषित कर रहे हैं, यह आप इस पद्य में पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला पद्य हम पढ़ते हैं, आप भी अपनी पुस्तक पर देखिए और वीडियो भी साथ साथ सुनिए। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनशम कालायश्चक्रम मनः शोषयत् तनुः पेषयत् भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तये दशनय यमुना स्यान्नैव जनग्रसनम्। शुचि पर्यावरणम्। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, अत्र यहाँ, जीवितम जातम जीवन, दुर्वहम जातम, दुर्वहम यानी कि अत्यंत कठिन, यहाँ जो है जीवन अत्यंत कठिन हो गया है, जातम हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, शरणम प्रकृति रेव, प्रकृति ही एकमात्र शरण है, यानी कि इसका निराकरण हमें कहाँ मिलेगा? प्रकृति की गोद में ही मिलेगा। शुचि पर्यावरणम, इसीलिए पर्यावरण को शुचि, शुचि मतलब शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण को क्या रखना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। तो यह जो जीवन है यह अत्यंत क्या हो गया है? निर्वहन करना जो है अत्र यहाँ जीवितम जो है जीवन दुर्वहम कठिन हो गया है, दुभर हो गया है। महानगर मध्य चलद अहर्निशम कालायश्चक्रम, महानगरों के मध्य, महानगरों के बीच में ये कालायश्चक्रम जो है, कालायस लोहे का, लोहे का जो चक्र है वो अहर्निशम दिन और रात जो है चलद चल रहा है। आपने देखा है पहाड़ों पर उतना रात को जो है ये मोटर गाड़ियाँ नहीं चलती, लेकिन जो महानगर हैं हमारे, जो शहर हैं, वहाँ दिन और रात का पता ही नहीं चलता, सैकड़ों हजारों मोटर गाड़ियाँ चलती रहती हैं और वह जो है उतना ही प्रदूषण करती रहती हैं। तो इसीलिए वह प्रदूषण करती रहती हैं, तभी यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि महानगर मध्य, महानगरों के मध्य अहर निशम यानि कि अहर दिन और निशम रात को जो है चलद चलते हैं कालायश्चक्रम, लोहे के जो चक्र हैं यानी कि जो गाड़ियां हैं, और वो जो चल रही हैं, जब चल रही हैं तो वो मनः शोषयत् तनुः पेषयत्, मन को शोषयत् सुखा रही हैं, मन को हर रहे हैं, तनुः पेषयत् और शरीर को जो है हमारे पीस रही हैं, भ्रमति सदा वक्रम और हमेशा क्या घूम रही हैं? टेढ़ा ही घूम रही हैं।
और जो है दुर्दांत ही दसने अमुना अस्यानेव जन ग्रसनम, और यह जो है दुर्दांत ही दसने भयंकर, दसने कहते हैं दांतों को, और दुर्दांत ही यानी कि भयंकर, ये जो भयावह दांतों से अपने हमारे जन ग्रसनम लोगों को ग्रस रही हैं, ग्रास बना रही हैं, खा रही हैं, स्यानेव बन रही हैं। तो ऐसा ये जो है प्रदूषण और या ये यांत्रिक बहुलता जो है हमारे जीवन को कितना दुर्भर और कठिन कर रही है, यह विचार कवि ने दिया है। तो शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को कैसा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, सबका कर्तव्य है। तो क्या कहना चाहता है कवि, एक बार फिर से हम इसको देखेंगे कि अत्र जीवितम दुर्वाहम, यहाँ जीवन क्या हो गया है, कठिन हो गया है, जातम हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, और प्रकृति ही एकमात्र शरण है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुचि साफ शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। महानगर मध्ये चलद निशम, महानगरों के बीच में, महानगरों के मध्य, महानगरों में चलद निशम, जो दिन रात चल रहे हैं, निशम यानी कि रात, अहर मतलब दिन, चलद यानी कि चल रहे हैं, कालायस चक्रम लोहे के जो चक्र दिन रात चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, मोटर गाड़ियां चल रही हैं, वो मन शोषयत, मन को क्या कर रहा है, सुखा रहा है। तनु पेशयत यानी कि शरीर को पीस रहा है। मन को सुखाना और तनु पेशयत, आप देखिए कभी हम जो है बाजार में जाते हैं और भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, और हम सोचते हैं कि बस एक सुकून या शांति की जगह पे हम इसके बाद चले जाएं, या हम बाजार से अब जब अपने घर अपने निवास पे आते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है आकर के, क्योंकि वो जो कोलाहल है, ध्वनि प्रदूषण है, और जो है वायु प्रदूषण है, वो हमारे मन को सुखा रहा है और हमें जो है अतृप्त कर रहा है, वो जो है हमें पीस रहा है, शरीर को थका रहा है। तो और हमेशा घूमता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, और भयंकर दांतों से अपने अपने भयंकर दांतों को मनुष्य को खा रहा है, जैसे कोई एक कोई जानवर खाता है ना किसी को अपने भयंकर दांतों से, तो वैसे ही जो है वो भयंकर दांतों से खा रहा है वो प्रदूषण। तो इसीलिए पर्यावरण शुचि यानी कि हमें साफ और पवित्र रखना चाहिए, पर्यावरण हमें शुद्ध और साफ रखना चाहिए। चलिए अब हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पद्य पढ़ेंगे। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानम, बाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति भानम, यानानां पंक्तयो हानन्तः कठिनं संस्मरणम्। शुचि पर्यावरणम्, यानानां पंक्तयो हानन्तः कठिनं संस्मरणम्, शुचि पर्यावरणम्। तो आप दूसरा देखिए, कज्जल मलिनं धूमं मुंचति शत शक्तियानम्, शत 100 शक्तियानम् मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, कज्जल काजल के समान मलिन यानी कि काला, धूमम मुंचति धूमम यानी कि धुआं, मुंचति छोड़ रही है। तो सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं काजल के समान धुएं को छोड़ रही हैं। आपने देखा है मोटर गाड़ियां जब चलती हैं पीछे से प्रदूषण करती हुई चलती हैं, और जो है काले रंग का जो धुआं छूटता है वो प्रदूषण ही तो है। तो वो प्रदूषण जो है उसको तुलना कवि ने किससे की है, काजल के समान मलिन। काजल के समान कुछ भी काला नहीं होता, आप सबको पता है काजल कितना काला होता है और कितना गाढ़ा होता है। उसी प्रकार जो है सैकड़ों मोटर गाड़ियां जो हैं कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वनम, और वाष्प से कौन चलता है बताइए, वाष्प से रेलगाड़ी चलती है, वाष्पयान माला यानी कि रेलगाड़ी, वाष्पयान माला किसे कहेंगे, रेलगाड़ी को, ट्रेन को। तो वितरंति ध्वनम संधावती, ध्वनम ध्वनि को कितनी तेज आवाज करती है, आप सबने किसी ने तो सुना भी होगा, यहाँ पहाड़ों पे नहीं है लेकिन जो शहर में गए होंगे उन्होंने जब ट्रेन या रेलगाड़ी देखी होगी, उसकी ध्वनि को देखा होगा, उसका हॉर्न सुना होगा, तो बहुत दूर तक जाता है और बहुत ध्वनि प्रदूषण करता है। इसीलिए कहा गया है कि वाष्पयान माला जो है ध्वनम वितरंती, ध्वनि को वितरंती फैलाती हुई संधावती, तेजी से दौड़ती है,
यानानां पंक्त्यो हानन्ता कठिनं संसरणं सुचि पर्यावरणं। यानानां गाड़ियों की पंक्तियां, पंक्तियां जो है हानन्ता हनन कर रहे हैं मनुष्य का, क्या करेंगे जीवन का हनन कर रही हैं। यानों की जो है गाड़ियों की पंक्तियां जो हैं वो मनुष्य के जीवन को हर रही हैं, क्या कर रही हैं, कठिन संसरणम यानी कि कठिन जीवन जो है चलना जो है वो दूभर हो गया है। तो शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध साफ पवित्र रखना चाहिए। फिर से देखेंगे एक बार कि शत शक्तियानम, हजारों सैकड़ों जो हैं सैकड़ों शक्तियानम यानी कि गाड़ियां जो हैं मोटर गाड़ियां जो हैं वो कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन धुएं को मुंचति छोड़ रही है। और वाष्पयान माला जो है रेलगाड़ी जो है ध्वनम वितरन्ति संधावती, ध्वनि को फैलाती हुई कोलाहल करती हुई संधावती तेजी से दौड़ती है। यानानाम पंक्तयो हानन्ता कठिनम संसरणम, यानों की जो गाड़ियां हैं जो वो उनकी जो पंक्तियां हैं वो मनुष्य के जीवन का हनन कर रही हैं। तो कठिन संसरणम पैदल चलना दूभर हो गया है, पैदल चलना जीवन निर्वाह करना महानगरों के मध्य जो है वो जीवन इतना दूभर हो गया है। इसीलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध साफ रखना चाहिए। कवि ने अपने विचार देते हुए ये कहा है कि इसका एकमात्र उपाय क्या है, प्रकृति की गोद में है। आप देखते हैं कभी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो जो है उनके जो चिकित्सक हैं उनको क्या सलाह देते हैं कि पहाड़ों पर जाइए। क्यों कहते हैं पहाड़ों पर जाइए, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ की शुद्ध वायु से उनके स्वास्थ्य पर जो है अच्छा असर पड़ेगा, इसीलिए तो कहते हैं, और जो है उनको स्वास्थ्य लाभ होगा। इसीलिए कवि ने भी कहा है कि पर्यावरण को हम जब तक शुद्ध और साफ नहीं रखेंगे तब तक हम इस समस्या से निराकरण नहीं पा पाएंगे। तो ये दूसरा पद्य था। अब तीसरा पद्य देखेंगे हम, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वसु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहि अंतर जगति तो बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए पद्य भी कितना अच्छा है, इसको हम लयात्मक भी पढ़ सकते हैं। तो वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मल जलम, वायुमंडल जो है पता है ना वायुमंडल, भृशम दूषितम अत्यधिक दूषित हो गया है, अत्यधिक मलिन हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल जो है वो भी निर्मल नहीं रह गया है, जल भी दूषित हो गया है, वायुमंडल भी दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, और जो भक्ष्यम खाने की वस्तु थी खाद्य वस्तुएं थी वो भी कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वो भी खराब वस्तुओं के मिश्रण से खाने लायक नहीं रह गई है। आपने देखा है कि कई खाद्य पदार्थों में मिलावट भी मिलती है तो वो मिलावट से वह वस्तु जो है वो कैसी हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती। इसीलिए कहा गया है कि वायुमंडल भी अत्यधिक जो है दूषित हो गया है, जल भी निर्मल नहीं रह गया है, खाने की जो खाद्य चीज़ें हैं हमारी खाने की जो वस्तुएं हैं उसमें भी जो है कुत्सित वस्तु मिश्रितम, वह भी जो है खराब वस्तुओं के मिश्रण से अखाद्य हो गई है। समलम धरातलम, और धरातल जो है वो भी समलम गंदगी से युक्त हो गया है। मलम स, स मतलब साथ, मलम मतलब गंदगी, तो गंदगी के साथ युक्त हो गया है क्या धरातल भी। तो वायुमंडल हो गया है दूषित, धरातल हो गया है, खाने की वस्तुएं हो गई हैं, तो शुद्ध तो कुछ भी नहीं रह गया है। इसीलिए कहा गया है कि करणीयम बहि अंतर जगति, बाहर का और अंत, अंदर का और बाहर का, बहि अंतर जगति बाहर का और अंदर के जगत को करणीयम कैसा करना है, बहु शुद्धि करना, बहुत शुद्ध करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। बाहर से तात्पर्य है पूरा बाह्य, हमारे जो चारों तरफ का बाह्य आवरण है जिसको हम पर्यावरण कहते हैं वो भी, और हमें अपने अंदर का भी जो है शरीर के अंदर और बाहर जो हम पर्यावरण देख रहे हैं वो बहु शुद्धिकरणम, बहुत अधिक शुद्धि
हमें करनी पड़ेगी। तो शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। देखिए फिर से देखेंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आपकी सरलता के लिए, आपके मस्तिष्क में बैठ जाए तो दोबारा फिर बताती हूँ। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित हो गया है। भृशम मतलब अत्यधिक, भृशम आपने पढ़ा है, मैंने आपको शब्दार्थ और अव्यय लिखाए हैं, उसमें भी लिखाए हैं कि भृशम दूषितम वायुमंडलम, वायुमंडल जो है भृशम अत्यधिक दूषितम, दूषित हो गया है। निर्मलम जलम, और जल भी जो है निर्मल नहीं रह गया है, निर्मल मतलब साफ स्वच्छ पवित्र नहीं रह गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, और जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी क्या हो गई हैं, कुत्सित वस्तुओं के मिलने से, खराब वस्तुओं के मिलने से वो भी अखाद्य हो गई हैं। और समलम धरातलम, तो बचा क्या, फिर धरातल भी समलम यानी कि गंदगी से युक्त हो गया है। तो वही अंतर जगति करणीयम तो बहु शुद्धिकरणम, अंतर जगति और बही यानी कि बाहर का और अंतर का दोनों जगत का बहु शुद्धिकरणम, बहुत शुद्धिकरण करना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। तो कवि ने अपनी मनोव्यथा बताई है कि महानगरों में हो, या तो अब तो धीरे धीरे प्रदूषण हर जगह व्याप्त हो गया है, सुविधाएं सबको चाहिए, तो गाड़ी मोटर गाड़ियां सभी जगह हैं, परंतु अभी गांव में उतना नहीं है। लेकिन उसने बताया है, अपनी दुविधा बताई है कि यह सब जो है क्या है, इतना प्रदूषण युक्त हो गया है, सभी चीज़ें जो हैं वो उतनी शुद्ध और साफ रूप में नहीं होती जो अपने पहली दशा में प्राकृतिक अवस्था में रहती हैं। इसीलिए जो है हम सबको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, हम सबको बहुत ही जो है कठिन कर्तव्य निभाना पड़ेगा कि हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो चौथा पद्य है निकाल देखिए आप सब। कंचित कालम नय माम अस्मान नगराद बहु दूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरे नदी पयः पूरम, एकांते एकांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। देखिए लयात्मक भी है, रस भी आ रहा है। तो कंचित कालम नया, तो कवि अपने मन की, अपने मन की व्यथा बता रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ समय के लिए क्या चाहता हूँ, मैं इस प्रदूषण से, इस महानगरों से कहाँ जाना चाहता हूँ, थोड़ा दूर प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ। और कैसे स्थान पे जाना चाहता है कवि, अब वो बता रहा है। देखिए कंचित कालम नया यानी कि कुछ कालम, यानी कि कालम मतलब समय के लिए, माम मैं आसमान नगराद इस नगर से बहु दूरम बहुत दूर नय जाना चाहता हूँ, चला जाऊँ, ठीक है ना। तो कंचित कालम यानी कि बहुत जो है मतलब व्यथित होकर के कवि कहता है कि मैं जो है, माम जो है, मैं आसमान नगराद इस नगर से, इस महानगरों से, इस शहर से बहु दूरम बहुत दूर, कंचित कालम नय कुछ समय के लिए नय जाना चाहता हूँ। प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम, और गांव के अंत में, ग्रामान्ते गांव के अंत में निर्झर नदी पयः पूरम, पयः पूरम यानी कि पानी से भरे हुए निर्झर और नदी को प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। आप सबको जैसे बताई है कि ग्रामांते जो धारे होते हैं, जैसे आपके हमारे पर्वतीय इलाकों में भी होते हैं धारे होते हैं, झरने होते हैं, वो गांव के एक तरफ होते हैं, इसीलिए कवि ने कहा है ग्रामांते, बीच बीच गांव में नहीं होते तो एक तरफ होते हैं, तो ग्रामांते गांव के अंत में पयः पूरम यानी कि पानी से, जल से भरे हुए, मीठे जल से भरे हुए नदी और निर्झर, निर्झर किसे कहते हैं, झरने को, और नदी यानी कि नदी को प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, यानी कि कवि चाहता है वो झरनों की आवाज़ सुनना चाहता है, वो मीठे जल के पास बैठना चाहता है। तो इसीलिए कवि अपने मन के विचार को रखते हुए कहता है एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांते एकांत में, कांतारे वन में, जंगल में, वन में क्षणमपि यानी कि क्षण भर भी मैं संचरणम स्यात् यानी कि
संचरण करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, वहाँ पर अपना समय बिताना चाहता हूँ। तो कितना अच्छा कहा है कवि ने, ऐसे सुनकर के लग रहा है कि हम भी वहीं बैठें थोड़ी देर। तो शुचि पर्यावरण, हम पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए। फिर से देखिए, माम अस्मान नगरात, मैं जो है इस नगर से कंचित कालम कुछ समय के लिए बहु दूरम बहुत दूर जाना चाहता हूँ। प्रपश्यामि ग्रामांते और गांव के अंत में पयः पूरम, जल से भरे हुए पूरम यानी कि पूर्ण हुए निर्झर और नदी यानी कि निर्झर झरने को और नदी को प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणम अपेने स्यात संचरणम शुचि पर्यावरणम। एकांते कांतारे, एकांत में शांत, जिसमें हमारे हृदय को भी जो है सुकून मिले, शांति मिले, ऐसे एकांत वन में क्षणमपि मे, क्षण भर भी मैं जो है संचरणम यानी कि संचरण करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण को शुद्ध और साफ रखना चाहिए।